नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज की स्टोरी लंबी स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी है, और जिन्हें लॉन्ग स्टोरी पसंद है वो रुक सकते हैं, जिन्हें नहीं पसंद है वो जहाँ तक के आप इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ तक के आप ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको जानने को मिलेंगे। स्टोरी बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार है। जी मज़ेदार इसलिए बोल रहा हूँ, एंडिंग इतना ज़्यादा मज़ा आया ना मुझे कि मैं सच बता रहा हूँ, आपको ज़रूर लास्ट तक देखनी चाहिए। लंबी स्टोरी इसलिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा फास्ट ट्रांसलेशन करूँगा, बार बार रिपीट नहीं करूँगा, एक एक वर्ड की मीनिंग नहीं बताऊंगा। जो वर्ड जैसे कि ही आना आप जानते हो, वॉज आना था जानते हो, यानी जो डिफिकल्ट वर्ड है उसकी मीनिंग बताऊंगा आपको, और जहां पे जरूरी समझूंगा वहां पे थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। बाकी स्पीड से ट्रांसलेशन करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता। सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को आप लोग लाइक। इसका जो सबसे पहले देखते हैं इसका टाइटल क्या है, टाइटल सबसे पहले देख लेते हैं, द प्रेशियस ट्रेजर। ठीक है, इसे प्रेशियस पढ़ते, बहुत प्रीशियस ऐसे पढ़ते हैं, प्रेशियस इसका एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन होता है। ट्रेजर, ट्रेजर यानी क्या होता है, खजाना। ठीक है, यानी कि बहुमूल्य खजाना, जिसे हम कीमती खजाना भी कह सकते हैं। तो कीमती खजाना इसका टाइटल है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। वंस अपॉन अ टाइम दे लिव्ड अ भिष्टी। ठीक है, भिष्टी जिसे हम वाटर कैरियर यानी पानी ले जाने वाला कहते हैं। तो एक बार की बात है, देयर लिव यानी रहता था, यहाँ पे देयर केवल डमी वर्ड है, इसका मीनिंग नहीं निकालते हैं। अब भिष्टी यानी वाटर कैरियर, वाटर यानी पानी, कैरियर यानी ले जाने वाला। ठीक है, तो एक जगह एक समय की बात है, पानी ले जाने वाला था, जो राजा महाराजा के समय आप सभी पता है पानी ले जाता था, पानी ले जाने का काम करते थे। इन द होली टाउन ऑफ वाराणसी, होली टाउन यानी होता है होली यानी पवित्र, टाउन यानी नगरी, पवित्र नगरी वाराणसी के, है ना, वहां रहता था। दो ही वॉज हार्ड वर्किंग, दो यानी होता है हालांकि, ही वॉज हार्ड वर्किंग, वह हार्ड वर्किंग मतलब होता है बहुत मेहनत करने वाला। ठीक है, कठिन परिश्रमी था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अर्न सफिशियंट मनी टू लीव। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नया शब्द मिलने वाला है, इसे हम कहेंगे कंटेंटेडली। ठीक है, कंटेंटेडली इसका मतलब होता है संतोषपूर्वक। तो इसका पूरा मीनिंग देख लेते हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला था लेकिन उसके लिए कठिन था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट यानी होता है बहुत ज़्यादा कठिन होना। फॉर हिम यानी उसके लिए, टू अर्न कमाना, सफिशियंट यानी होता है पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी मात्रा में पैसे। ठीक है, मनी यानी पैसे से ले लीजिए। टू लिव कंटेंटेडली यानी संतोषपूर्वक, संतोष रहने के लिए ये काफ़ी नहीं था इतना पैसा, क्योंकि बहुत मेहनत करता था लेकिन बहुत पैसा उसके पास नहीं आता था, कम मात्रा में आता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेवर द लेस। ठीक है, नेवर द लेस का मतलब होता है फिर भी, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू रिमेन हैप्पी विथ वॉट एवर लक ही हैड। ही ट्राइड हिज बेस्ट मतलब वो अपनी पूरी कोशिश करता था, हिज बेस्ट यानी अपनी पूरी कोशिश करता था, रिमेन हैप्पी, रिमेन हैप्पी यानी खुश रहने का, विथ यानी से, वॉट एवर लक ही हैड यानी जो भी किस्मत उसके पास था। लक यानी होता है भाग्य, किस्मत यानी उसके पास जो भी भाग्य था, जो भी किस्मत था, उससे वो खुश रहने की कोशिश करता था। वन डे ही अर्न वन कॉपर कॉइन, एक दिन उसने कमाया, अर्न यानी होता है कमाना, वन कॉपर कॉइन। अब पहले कॉपर का कॉइन चलता था, कॉपर कॉइन यानी होता है एक सिक्का, तांबे का सिक्का कॉपर कॉइन, तो तांबे का सिक्का कमाया। मोर देन हिज यूजुअल अर्निंग्स, मोर देन यानी होता है ज्यादा, ठीक है, ज्यादा, हिज यूजुअल यानी उसके जो सामान्य हमेशा जितना कमाता था, जितना कमाता था उससे ज्यादा कमाया, एक कॉपर जो ज्यादा कमाया कॉइन। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए, इट सीम टू बी यानी ये लग रहा था, सीम टू बी यानी दिख रहा था, लगना, हिम यानी उसके लिए ऐसा लग रहा था, नॉट लेस यानी कम नहीं होना, देन अ ट्रेजर यानी एक खजाने से कम नहीं लग रहा था, इसका मतलब यही हुआ, ट्रेजर यानी खजाना, एक खजाने से कम नहीं लग रहा था उसके लिए, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी बात थी एक तांबे का पूरा सिक्का। ठीक है, वाइल रिटर्निंग होम, वाइल यानी दौरान, रिटर्निंग यानी वापस लौटने के दौरान, घर लौटने के दौरान, ही थॉट उसने सोचा, आई शुड रिटेन इट एज इट विल सर्व मी इन द टाइम ऑफ नीड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आई शुड रिटेन यानी ये मुझे, ये क्या होना चाहिए, रिटेन यानी होना चाहिए, बने रहना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, तो इसे मुझे क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, छिपा के रखना, जिसे बोल सकते बना के रखना। इट एज इट विल सर्व यानी ये मुझे क्या करेगा, सर्व करेगा, सेवा देगा, काम में आएगा, मी यानी मेरे, इन द टाइम यानी समय में, ऑफ नीड यानी आवश्यकता यानी जरूरत के समय ये मेरा काम आने वाला है सिक्का, तो मुझे इसे क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, बना के रखना चाहिए, सीधी सी बात है छिपा के रखना चाहिए, ताकि बाद में मेरे भविष्य में काम आए।
थिंकिंग सो, ऐसा सोचकर, ऐसा सोचते हुए, ही लुक फॉर अ सेफ प्लेस टू हाइड इट. ही लुक फॉर यानी देखना, सेफ प्लेस यानी होता है सुरक्षित जगह, टू हाइड इट यानी इसे छिपाने के लिए, उस तांबे के सिक्के को छिपाने के लिए. बट ही कुड नॉट डिसाइड, लेकिन वह कुड नॉट यानी नहीं कर सक रहा था. क्या डिसाइड यानी होता है निर्णय लेना, वह निर्णय नहीं ले पा रहा था. वेयर ही शुड हाइड इट, कहाँ, ही शुड यानी उसे चाहिए, हाइड इट यानी इसे छिपाना, कि इसे कहाँ छिपाना चाहिए, वह निर्णय नहीं ले पा रहा था, नहीं ले सक रहा था. वेन ही पास बाई द वॉल्स, जब वह पास बाई यानी गुजरा, द वॉल्स यानी दीवारों के पास से, ऑफ सम यानी कुछ, अबेंडन, ठीक है, यहाँ पे अबेंडन का मतलब क्या होता है, फोर्ट यानी होता है किला, अबेंडन का मतलब होता है त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ किला, यानी जिस किले में हम राजा महाराजा पहले किले में रहते थे, तो भाई जैसे पुराना हो जाता है तो छोड़ देते हैं ना, तो उसे हम अबेंडन कहते हैं. छोड़ा हुआ किला के पास से गुजरे, उसके दीवार के पास से. फिर क्या हुआ, देखिए, ही सर्च फॉर सम लूज ब्रिक्स, ही सर्च, उसने खोजा, फॉर यानी के लिए, सम लूज ब्रिक, कुछ लूज यानी होता है ढीला, ब्रिक यानी होता है ईंट, कुछ ढीली ईंट के लिए खोजा. टू हाइड द कॉइन यानी सिक्के को छुपाने के लिए, उसने देखा कि कहीं पे कुछ ढीला ईंट होगा, पुराना किला था, तो ताकि मैं इसे क्या कर पाऊं, छिपा पाऊं. बाय चांस यानी मतलब बोल सकते किस्मत से, ही कुड गेट अ लूज ब्रिक, ठीक है, ही कुड गेट, उसे मिल पाया अ लूज ब्रिक, एक ढीला वाला जो ईंट था वो मिल गया. अप्लाइंग सम फोर्स, अप्लाइंग यानी लगाकर, सम फोर्स यानी कुछ ताकत लगाकर, ही पुल्ड आउट यानी बाहर निकालना, द ब्रिक, उसने ईंट को बाहर निकाला. एंड लुक्ड इनटू द गैप, और लुक्ड इनटू यानी देखा, द गैप, गैप यानी होता है दो चीज के बीच में जो जगह छूटी हुई थी, उसे गैप कहते हैं, ठीक है, जैसे दो ईंट के बीच में जगह दिख रहा ना आपको छूटा हुआ, उसे गैप कहते हैं, ठीक है. ही हैड फाउंड, उसने पाया अ राइट प्लेस, उसने एक सही जगह पा लिया था. टू कीप ही सिंगल कॉइन, कीप यानी रखना, ही सिंगल कॉइन यानी एक जो सिंगल अकेला जो सिक्का था, सेफ देयर, सुरक्षित देयर यानी वहां, ठीक है, उसने जगह पा लिया था कि उसका जो इकलौता जो सिक्का था उसे सुरक्षित रखने के लिए, जो गेप था वहां पे, ठीक है. ही प्लेस द कॉइन इनसाइड, ही प्लेस, उसने रखा द कॉइन, सिक्के को, इनसाइड यानी अंदर. एंड फिक्स द ब्रिक, और फिक्स यानी फिर से जमा के रख देना, ईट को जमा दिया. एज इट वॉज बिफोर, जैसे कि वो पहले था, बिफोर यानी पहले, ठीक है, जैसे पहला था वैसे जमा के रख दिया, ईट को अच्छे से फंसा दिया सिक्के को अंदर डाल के. नाउ ही वॉज अफ्रेड दैट, अब वह क्या था, अफ्रेड यानी होता भय भी, डरा हुआ था, दैट कि ही माइट फॉरगेट द लोकेशन, कि वह माइट यानी हो सकता है, फॉरगेट यानी भूलना, द लोकेशन यानी उस स्थान की जगह को, ठीक है, लोकेशन यानी उस जगह दिशा को, तो वो उस स्थान को क्या कर सकता था, भूल सकता था, वो डरा हुआ था. सो स्टेड देयर, तो वह स्टेड यानी रुका था, देयर यानी वहां, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए वहां रुका. एंड लुक्ड अराउंड यानी होता है चारों तरफ देखना, ठीक है, और वो वहां पे देखने लगा, चारों तरफ देखने लगा. केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक, टू कीप द लोकेशन इन माइंड, कीप द लोकेशन यानी जो लोकेशन था, वो जगह का जो स्थान था, इन माइंड यानी ध्यान में रखने के लिए कुछ देर वहां रुका, कि भाई जगह भी तो पता होना चाहिए कि कहां पे रखा हूं. When he had done this, जब उसने ये किया, done यानी किया, he left for his home, वह अपने घर के लिए चला गया. Left यानी उस जगह को छोड़ देना, वहां से चला जाना, तो घर को चला गया. फिर क्या हुआ, देखिए, some years later, कुछ साल के बाद, later यानी होता है बाद में, कुछ सालों के बाद, he married a young lady, उसने शादी की एक यंग लेडी यानी पता है नव युवती जिसे बोलते हैं, जवान लड़की, यंग लेडी बोल सकते हैं. One day the wife, एक दिन उसकी पत्नी, said यानी कहा, अब कैसे कहा उसने, यहाँ पे आपको देखिए, despairingly का मतलब होता है हताशा से, मायूसी से क्या कहा, देखिए, to the water carrier यानी वही पानी ले जाने वाले, अपने पति से क्या कहा, देखिए, a grand fair is being conducted in the city, ठीक है, grand fair यानी होता है बहुत बड़ा मेला, फेयर यानी होता है मेला, देखिए फेयर यानी क्या होता है, बहुत सारी चीज होती है, फेयर यानी होता है निष्पक्ष, फेयर रहो भाई हमारे लिए, मेला को भी फेयर बोलते हैं, गोरा रंग को भी फेयर कहा जाता है, चमकदार फेयर, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ग्रैंड फेयर मतलब होगा बहुत बड़ा मेला. इज बींग कंडक्टेड यानी क्या किया गया, आयोजन किया गया, संचालित किया जा रहा है, इन द सिटी, शहर में बहुत बड़ा मेला का आयोजन किया गया है. वी हैवंट सफिशियंट मनी, वी हैवंट यानी हमारे पास नहीं है, हैवंट यानी हैव नॉट, हैव यानी किसी के पास कुछ चीज रहना, हैव नॉट यानी नहीं रहना, हमारे पास नहीं है सफिशियंट यानी पर्याप्त मात्रा में मनी, पैसा, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उस मेले में जा सके. अदरवाइज नहीं तो,
वी कुड ऑल्सो इंजॉय द फेयर, वी कुड हम सकते, ऑल्सो यानी भी, हम भी का क्या कर सकते, इंजॉय यानी आनंद उठाना, द फेयर यानी मेला का हम भी क्या कर पाते, मजे उठा पाते यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होता। सीइंग द डिस्परेट और ऐसे निराश लुक इन द आईज ऑफ हिज वाइफ, यानी कि उसकी आंखों में निराशा देखकर, ठीक है, उसकी आंखों में निराशा देखकर ही ऑल्सो बिकेम फुल ऑफ सोरो, ही ऑल्सो बिकेम, वह भी हो गया फुल ऑफ सोरो। सोरो का मतलब क्या होता है, सोरो का मतलब होता है मतलब दुखी हो जाना, ठीक है, शोक में हो जाना, वो भी शोक में आ गया, दुखी हो गया। बट सडनली, लेकिन अचानक से हिज आईज, उसका आंख, लाइट अप इन हैप्पीनेस, लाइट अप मतलब होता है चमकना, हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी से उसका आंख जगमगा गया यानी चमक उठा। ही टोल्ड हिज वाइफ हरिडली, उसने अपनी पत्नी से जल्दी से कहा, ठीक है, हरिडली यानी जल्दी से कहना, ठीक है, उसने अपनी वाइफ से कहा, क्या कहा देखिए, Who says, किसने कहा, We don't have any money, हमारे पास कोई भी पैसा नहीं, किसने कह दिया, I have a complete one copper coin, मेरे पास एक पूरा तांबे का सिक्का है, कॉपर कॉइन यानी तांबे का सिक्का, पूरा यानी पहले हो सकता है कॉपर कॉइन का रेट बहुत मतलब अच्छा खासा रहता होगा, तो वही बोल रहा है, एक कंप्लीट मेरे पास कॉपर का सिक्का है, किसने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, आई हैव हिडन इट, मैंने इसे छिपा रखा है, इट एट अ सेफ प्लेस, ठीक है, इसे एक सुरक्षित जगह पर छिपा रखा है, इफ यू विश, यदि तुम्हारी मर्जी है, इच्छा है, आई कैन ब्रिंग इट, मैं इसे ला सकता हूं, कैन यानी सकना, ब्रिंग यानी लाना, इट यानी इसे, मैं इसे ला सकता हूं, ब्रिंग यानी लाना होता है, ठीक है, तो वही बोल रहा है, अगर तुम बोलोगे तो मैं उस सिक्के को ले आऊंगा। द वाइफ रेडली विश टू सी द कॉइन, द वाइफ रेडली, ठीक है, तो रेडली का मतलब क्या होता है, आसानी से, ठीक है, उसे हम रेडली कहते हैं, विश्ड यानी आसानी से इच्छा की, टू सी द कॉइन की सिक्के को देखने की, आसानी से मान गए कि हाँ मुझे भी देखने की इच्छा है। द वाटर कैरियर्स प्लेजर मेड हिम गो आउट ऑफ कंट्रोल, और जो वाटर कैरियर का जो प्लेजर था, उसका आनंद था, मन में जो आनंद होता है उत्साह, उसे प्लेजर कहते हैं, मेड हिम गो आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल यानी मतलब बोलते हैं ना नियंत्रण में नहीं रहना, एकदम आपे से बाहर निकल जाना, उसे आउट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, और इतना ज़्यादा खुश था, उसे जब याद आ गया तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ही रैन ऑफ विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स, ही रैन ऑफ यानी दौड़ पड़ा तेजी से, विदाउट थिंकिंग बिना कुछ सोचे, एनीथिंग एल्स और कुछ भी चीज़ की, एनीथिंग एल्स यानी कुछ भी और सोचे बिना वो क्या कर दिया, दौड़ पड़ा। इट वॉज अ हॉट मिड डे ऑफ समर, ये क्या था, हॉट यानी गर्म, मिड डे यानी दोपहर का समय, ऑफ समर गर्मी का, दोपहर का समय था, मिड यानी बीच, डे यानी दिन, और क्या हुआ फिर देखिए, सन रेस वॉज स्कॉर्चिंग, सन रेस, सन यानी सूर्य, रेस यानी होता किरण, यानी सूर्य का जो किरण था उसकी जो रोशनी थी वह स्कॉर्चिंग, वर यानी थे, स्कॉर्चिंग यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है जलाना, बोलते हैं ना झुलसा देना, झुलसा रहे थे, क्योंकि वर वॉज या वर के साथ कोई भी वर में आएंगी तो वॉज या वर है ना, तो रहा था, रहे थे, ऐसे होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, झुलसा रहे थे। द पैथ वर हॉट, रास्ता क्या था, गर्म था, एंड इसे हम पढ़ेंगे वैकेंट, ठीक है, इसे मतलब वैकेंट का मतलब क्या होता है, वैकेंट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा उत्सर्जित करना, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, रिक्त खाली, उसे हम वैकेंट कहते हैं, ठीक है, तो पूरा जो जगह था, रास्ता था, वो बहुत ज्यादा गर्म और खाली था, वैकेंट मतलब रिक्त हो जाना, खाली हो जाना, पूरा सुनसान था। थ्रू मेडोस और ग्रेन फील्ड, थ्रू यानी से, कहां से, देखिए मेडोज, मेडोज का मतलब होता है जो हरा भरा घास होता है ना, उसका जो मैदान, उसे मेडोज कहते हैं। ग्रेन फील्ड्स, ग्रेन फील्ड यानी अनाज के जो खेत थे, यानी हरे भरे खेत, हरे भरे मैदान, और जो धान फसल के जो खेत थे वहाँ भी वो वहाँ से गुजरा। क्लियर पैथ, ठीक है, क्लियर पाथ मतलब जो रास्ता, जो साफ रास्ता, और रफ, रफ यानी होता है भाई उबड़ खाबड़, या फिर एकदम बोलते हैं ना जो साफ सुथरा नहीं रहता, तो उसे रफ कहते हैं, उबड़ खाबड़ भी बोल सकते हैं, रग्ड, रफ रग्ड यानी उबड़ खाबड़, ठीक है। तो वो देखिए कितने खुशी से दौड़ रहा है, पूरा सुनसान जगह में, गर्मी में, उबड़ खाबड़ रास्ते पे, खेतों से, घास के हरे भरे मैदान से, उसे कुछ समझ नहीं है, बस वो दौड़े पड़ा है कि मुझे वो सिक्का चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रग्ड मतलब वही होता है, उबड़ खाबड़, ठीक है। अब देखिए, ही वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था, बेयरफुट, बेयरफुट मतलब होता है नंगे पैर, ठीक है, खाली पैर, नंगे पैर, टूवर्ड्स हिज डेस्टिनेशन, टूवर्ड्स यानी की ओर, किसकी ओर, हिज डेस्टिनेशन यानी उसकी जो डेस्टिनेशन यानी होता है जहां उसे जाना है, निर्धारित जगह, उसे डेस्टिनेशन कहते हैं, लक्ष्य है ना, तो उसे अपने निर्धारित जगह की ओर उसे
जा रहा था, नंगे पैर दौड़ रहा था। ही वॉज सिंगिंग इन अ वेरी जॉली मूड, वह गा रहा था। देखिए बस बताना वॉज वर्ग के साथ, वह गा रहा था इन अ वेरी जॉली मूड। वेरी जॉली यानी बहुत मस्ती के मूड में, मस्ती के मूड में वो क्या कर रहा था, गाना गाया जा रहा था और दौड़े पड़ा था। एंड डिड नॉट फील द स्कॉर्चिंग हीट, और फील नहीं कर पा रहा था, मतलब वो महसूस नहीं कर रहा था क्या जो गर्मी थी, झुलसाने वाली गर्मी थी, स्कॉर्चिंग हीट, झुलसाने वाली गर्मी को महसूस नहीं कर रहा था। उसका ध्यान तो केवल कहाँ था, उस सिक्के पे ही था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग रन, लॉन्ग रन यानी रन यानी होता है बहुत बहुत दूर दौड़ने के बाद, ही पास बाई द पैलेस, वह गुजरा, पैलेस यानी होता है महल, महल के पास से गुजरा, ऑफ द किंग यानी राजा के महल के पास से गुजरा, बाई चांस, बाई चांस यानी किस्मत से उसी समय, द किंग सॉ हिम रनिंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस, राजा ने उसे देखा दौड़ते हुए, इन फ्रंट ऑफ द पैलेस यानी फ्रंट यानी होता है सामने से, महल के सामने से दौड़ते हुए देखा, इन सच अ कंडीशन यानी ऐसी स्थिति में, सच अ कंडीशन यानी ऐसी स्थिति, एंड थॉट और सोचा यानी ऐसी स्थिति में दौड़ते हुए देखा कि ये दौड़े पड़ा है नंगे पैर और कुछ कुछ मतलब ही नहीं है इसको, इधर उधर नंगे पैर दौड़े पड़े उबड़ खाबड़ जमीन पे, ऐसी स्थिति में देखा और सोचा व्हाट कुड बी द रीजन, ठीक है, क्या कारण हो सकता है दैट कि दिस सीमिंगली पुअर पर्सन, सीमिंगली यानी ऐसा दिखने वाला, पुअर पर्सन यानी गरीब दिखने वाला, उसे हम क्या कहते हैं सीमिंगली यानी मालूम होता है, ऐसे मालूम होता है कि ये गरीब व्यक्ति, गरीब लोग, गरीब व्यक्ति इज सो हैप्पी कि ये बहुत ज्यादा खुश है, एंड रनिंग बेफुट इन द इनटॉलरेबल हीट, इनटॉलरेबल यानी होता है असहनीय, जिसे हम टॉलरेबल यानी होता है सहन करने वाला, इनटॉलरेबल यानी असहनीय हीट, यानी कि ये तो गरीब जैसा मालूम पड़ रहा है और ये इतना ज़्यादा खुश है और नंगे पैर दौड़ रहा है इतने असहनीय गर्मी में जिसे हम सहन नहीं कर पाते, तो ये क्यों दौड़ रहा है, वो यही सोच रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा से, जिज्ञासा से भरकर, जिज्ञासा से ही सेंट हिज गार्ड, ठीक है, उसने अपने गार्ड को भेजा, गार्ड यानी सुरक्षाकर्मी को भेजा, To bring the running person to him, bring याने लाने के लिए, the running person याने दौड़ते हुए आदमी को, to him याने उसके पास लाने के लिए भेजा कि लाओ भाई मैं जानना चाहता हूँ। The water carrier was not in a mood, और वो जो water carrier था वो mood में नहीं था, मन नहीं था उसका to meet the king, राजा से मिलने के लिए, क्योंकि भाई उसका ध्यान तो पूरा वहीं था ना। As presently, ठीक है, presently his greatest pleasure, ठीक है, और प्रेजेंटली मतलब होता है वर्तमान में, ठीक है, उस समय, ठीक है, हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर, उसका ग्रेटेस्ट यानी सबसे ज्यादा, प्लेजर यानी आनंद, वॉज टू गेट द कॉइन बैक इन हिज हैंड, यानी इस समय, प्रेजेंटली मतलब था, इस समय उसका जो सबसे ज्यादा जो आनंद की चीज था, जो खुशी की बात था, वो क्या था, गेट द कॉइन बैक यानी उस सिक्के को वापस पाना, इस इन हैंड, अपने हाथों में उस सिक्के को वापस पाना ज्यादा खुशी की बात थी। सो द गार्ड फोर्सिबली, ठीक है, फोर्सिबली मतलब होता है मतलब ताकत से, मतलब जोर लगा के, took him to the king, राजा के पास ले गया। The king asked him, राजा ने उससे पूछा, the ground is emitting fire, emitting यानी उत्सर्जित करना, निकालना, ठीक है, fire यानी होता आग, यानी आग उगलना भी बोल सकते हैं, जमीन आग उगल रहा है, and you are treading it, सिंगिंग जॉयफुली, और तुम क्या करो, ट्रेडिंग यानी होता है कदम बढ़ाना, आगे बढ़ना, इट्स सिंगिंग, सिंगिंग यानी गाते हुए, जॉयफुली यानी मस्ती में गाते हुए तुम आगे बढ़ रहे हो, एज इफ यू आर इंजॉइंग हेवन, जैसे कि, एज यानी जैसे कि, इफ यू आर यानी तुम क्या कर रहे हो, इंजॉइंग यानी मजे ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, हेवन यानी होता है स्वर्ग, जैसे कि तुम स्वर्ग का आनंद ले रहे हो ऐसे तुम दौड़े पड़े हो। डोंट यू फीट बर्न, क्या तुम्हारे पैर जल नहीं रहे, है ना, डोंट यू फीट बर्न, तुम्हारे पैर जलते नहीं हैं, ऑन द हॉट पैथ, ऑन द हॉट पैथ मतलब होता है वही रास्ता, गर्म रास्ते पे तुम्हारे पैर जल नहीं रहे हैं। द वॉटर कैरियर आंसर्ड, पानी जो ले जाने वाले ने जवाब दिया, आई एम नॉट गेटिंग पेन, मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा है, नॉट गेटिंग पेन, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, बाई एनी आउटसाइड कॉज, कॉज यानी होता है कारण, आउटसाइड यानी बाहरी किसी भी कारण से मुझे कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, एज माई इनर विश gives me more pleasure, जैसे कि मेरी जो inner wish यानी मेरी जो मन की जो मांग है, अंदर की जो मेरी इच्छा है, ठीक है, मन में जो इच्छा हो रही है,
गिव्स वो क्या देता है, मोर प्लेजर, बहुत ज्यादा आनंद दे रहा है। यानी बाहर का जो आप बोल रहे हो ना गर्मी वर्मी, इससे मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है, मेरे मन में जो खुशी है ना सिक्के पाने की, वो मुझे ज्यादा खुशी दे रहा है। देखिए इतनी बड़ी बात बोली, बहुत अच्छी स्टोरी है, प्लीज लास्ट तक के बने रहेंगे, लंबी है लेकिन बहुत अच्छी, अमेजिंग अमेजिंग यानी बहुत बढ़िया है ना। व्हाट सच अ विश कुड बी, ठीक है, कि ये कौन सा किस प्रकार का कुड बी यानी हो सकता है, ठीक है, ये कैसी इच्छा हो सकती है, विश यानी इच्छा, सच यानी ऐसा, कुड बी यानी हो सकना, ये ऐसी कौन सी इच्छा हो सकती है। द किंग आज राजा ने पूछा कि भाई ऐसी कौन सी तुम्हारी पाने की इच्छा है जो तुम ऐसे कर पड़ रहे हो, मुझे भी जानने की इच्छा है तुम क्या चाहते हो। ओ ग्रेट किंग, हे महान राजा, इन द नॉर्थ वॉल ऑफ द ओल्ड फोर्ट, ठीक है, इन द नॉर्थ यानी होता है, देखिए साउथ यानी होता है दक्षिण, नॉर्थ यानी होता है उत्तरी, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको नॉर्थ यानी उत्तर के जो दीवार है, ओल्ड फोर्ट यानी जो पुराना किला के उत्तर की दीवार है, आई हैड हिडन अ ट्रेजर, मैंने एक क्या छुपा के रखा है, एक खजाना छुपाया है, ठीक है। नाउ अब आई वॉन्ट टू टेक इट आउट, अब मैं उसे वॉन्ट यानी चाहता हूँ, टू टेक इट आउट यानी बाहर निकालना चाहता हूँ, प्लीज माई वाइफ, प्लीज यानी होता है, देखिए यहाँ प्लीज यानी होता है प्लेजर जो बोलते हैं ना, आनंदित करना, तो प्लीज यानी खुश करना, आनंद महसूस करना, मेरी वाइफ को मैं खुश करने के लिए उसे वापस निकालना चाहता हूँ। आंसर द वाटर कैरियर, वाटर कैरियर ने जवाब दिया, भाई मैं तो उस सिक्के को चाहता हूँ। अब क्या बोल रहे हैं, बट यू आर रनिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिटी टू अदर विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ योर फिजिकल कैपेबिलिटी, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, बिना कुछ सोचे समझे शहर के इस भाग से उस भाग दौड़ रहे हो, बिना ये सोचे कि तुम्हारी फिजिकल कैपेबिलिटी होती है यानी तुम्हारी शारीरिक क्षमता, यानी तुम्हारे शरीर में जितनी सहने की क्षमता है उसे भी तुम नहीं सोच रहे हो और दौड़े पड़े हो। इन दिस स्कॉर्चिंग हीट, इन यानी में, दिस स्कॉर्चिंग मैंने आपको बताया झुलसाने वाली गर्मी में तुम दौड़े पड़े हो। इट सीम्स देयर, ऐसा लगता है, इट सीम्स यानी ऐसा लगता है, देयर इज अ ग्रेट ट्रेजर, कि वहां पे बहुत बड़ा ग्रेट ट्रेजर है, महान खजाना, बहुत ही बड़ा खजाना छुपा हुआ है, ऑफ एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम, 1 लाख गोल्ड कॉइंस, 1 लाख सोने के सिक्के, है ना, कम से कम वहां 1 लाख सोने का सिक्का तो पक्का छुपा होगा, जो तुम इस तरह से दौड़ रहे हो अपने बिना फिजिकल, मतलब शरीर को बिना देखे, क्या परेशानी हो रही, तुम दौड़े पड़े, मतलब पक्का 1 लाख सोने का सिक्का तो होगा ही। नो महाराज, नहीं महाराज, इट इज नॉट सो मच, नहीं इतना ज्यादा नहीं है। देन तब 50,000 गोल्ड कॉइंस, 50,000 सोने का सिक्का होगा, राजा पूछ रहे हैं। नो महाराज, नहीं महाराज, नॉट इवन सो मच, नहीं इतना भी नहीं है, नॉट इवन यानी इतना भी नहीं है, सो मच यानी इतना ज्यादा भी नहीं है। देन तब 10,000, 10,000, 5,000, 5,000, 1,000, 1,000 सोने के सिक्के होंगे, ऐसे वो बढ़ा रहे, कम कर रहे हैं, 1 लाख नहीं तो 50,000, अरे नहीं तो 10,000 तो होंगे, 5,000 तो होंगे, 1,000 तो होंगे सोने के सिक्के। द किंग्स गेज अमाउंट, राजा ने क्या किया, गेज यानी होता है अनुमान लगाया, अमाउंट यानी उस रकम की कीमत की, कि इतना हो सकता है, कीप डिक्रीजिंग, ठीक है, यानी केप्ट यानी रखना, डिक्रीजिंग यानी होता है कम होते जा रहा था, जो अनुमान लगा रहे थे वो कम ही होते जा रहा था। बट द वाटर कैरियर, लेकिन जो पानी उठाने वाला, इस टाइम हर समय रिप्लाइड इन द निगेटिव, रिप्लाइड यानी जवाब दे, निगेटिव यानी नकारात्मक यानी होता है नहीं, निगेटिव यानी नहीं, यानी महाराज बोलते थे इतना हजार नहीं नहीं नहीं, उसे निगेटिव कहते हैं, नकारात्मक जवाब, यानी उसके मन की बात बोली ना था, नहीं महाराज इतना तो नहीं है, नहीं महाराज इतना तो नहीं, ऐसे करे पड़ा है। एट लास्ट द किंग एक्सप्रेस हिज एनॉयड सेइंग, और आखिरी में एक्सप्रेस जाने दर्शाना, ठीक है, एक्सप्रेस जाने भाव दिखाना अपना, कौन सा एनॉयड यानी होता है खीज, चिढ़ जाना, ठीक है, खीज में उसने क्या किया, कहा फॉर गॉड सेक्स, गॉड सेक्स यानी था भगवान की खातिर, से यानी खातिर, भगवान के लिए, भगवान के खातिर, टेल मी योर सेल्फ हाउ मच इज इट, इज इट, टेल मी योर सेल्फ यानी खुद ही तुम बताओ, हाउ मच यानी कितना, इज इट यानी है, वह यह कितना है, भगवान के लिए बता दो भाई कितना वहां पैसा छुपा के रखे हो। अ कॉपर कॉइन, एक तांबे का सिक्का, देखिए कितना सोच रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं, एक तांबे का सिक्का। द वॉटर कैरियर आंसर्ड प्राउडली, तो जो पानी उठाने वाले ने क्या किया, जवाब दिए प्राउडली यानी होता है गर्व से, गर्व से जवाब दिए, एक तांबे का सिक्का, ऐसे बोलते हैं ना गर्व से। हियरिंग दिस
द किंग हेल्ड हिज हेड। ऐसा सुनकर राजा ने अपना सिर पकड़ लिया, हेल्ड यानी पकड़ा, हिज हेड यानी उसके अपने सिर को पकड़ लिया। एंड अदर पर्सन, और जो दूसरे लोग थे, ऑल्सो बर्श इन टू लाफ्टर। बर्श यानी होता है फूट जाना, इन टू लाफ्टर यानी हंसी के ठहाके जो फूटते हैं ना, जोर जोर से हंसने को बर्श इन टू लाफ्टर बोलते हैं। इसे लाफ्टर पढ़ेंगे, लॉटर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वो हंसी के मारे फूट पड़े, यानी बहुत ज़्यादा हंसी निकल पड़ी उनकी। अरे यार, एक तांबे का सिक्का दौड़े पड़े हो। आई कैन मेक माई वाइफ हैप्पी विद दैट कॉइन, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी पत्नी को खुश कर सकता हूँ इस सिक्के से, है ना, बाई परचेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग फॉर हर। यानी इस सिक्के से मैं बहुत कुछ परचेसिंग यानी खरीद कर, लॉट ऑफ थिंग्स यानी बहुत चीज़ें फॉर हर उसके लिए खरीद कर खुश कर सकता हूँ। सैड द वाटर कैरियर, ऐसे उस पानी ले जाने वाले ने कहा कि मैं बहुत कुछ खरीदूंगा इस सिक्के से मेले में। द किंग वॉज नॉट एंग्री, राजा मतलब क्या था, गुस्से में नहीं था। एट द इनोसेंट रिप्लाइड, इस इनोसेंट यानी होता है मासूम भरे जो होता है ना, रिप्लाइड जवाब से, ऑफ द वाटर कैरियर ऑन द, अब यहाँ पे आप देखिए कॉन्ट्रेरी, ठीक है, यहाँ पे आपको नया चीज़ दिख रहा है। कॉन्ट्रेरी इसका मतलब होता है विरोध, ठीक है, कॉन्ट्रेरी मतलब विरोध, यानी विरोध करने के बावजूद ही ऑफर्ड, ठीक है, यानी विरोध करने के बावजूद ही ऑफर्ड, उसने क्या किया, ऑफर्ड किया जेंटली टू हिम, ठीक है, जेंटली मतलब होता है प्यार से, ठीक है। विरोध करने के बावजूद उसने क्या किया, जेंटली यानी प्यार से, धीरे धीरे कोमलता से उसने क्या कहा, देखिए, फ्रेंड, दोस्त, यू डोंट नीड, तुम्हें ज़रूरत नहीं है टू गो, जाने की, टू सच अ रिमोट प्लेस। रिमोट देखिए, रिमोट यानी आपको लगता है टीवी का रिमोट, तो रिमोट नाम क्यों पड़ा, रिमोट यानी होता है दूरस्थ, दूर का, दूर के जगह में जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर अ सिंगल कॉपर कॉइन, फॉर यानी के लिए, यानी एक तांबे के सिक्के के लिए जाने की जरूरत नहीं इतने दूर। आई विल गिव दैट टू यू, मैं तुम्हें उसे दे दूंगा, यानी मैं तुम्हें एक कॉपर का सिक्का दे दूंगा, उतनी दूर मत जाओ। ऑन हैविंग रिसीव्ड अ कॉपर कॉइन, और उस कॉपर कॉइन को पाकर, फ्रॉम द किंग, राजा से पाकर, ही वॉज टोल्ड, उसने कहा, टू गो बैक होम, और उसने कहा घर जाने के लिए कि तुम अब सोने का सिक्का तो पा गए हो, अब तुम घर चले आओ। बट द वाटर कैरियर रिप्लाइड, लेकिन उसने रिप्लाइड दिया, जवाब दिया, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, ये वेरी नाइस यानी आपकी तरफ से क्या है, बहुत अच्छा है, टू गिव मी अ कॉपर कॉइन, कि आपने मुझे क्या दिया, तांबे का सिक्का दिया, बट लेकिन आई विल गेट माई ओन कॉइन ऑल्सो, आई विल गेट, मैं गेट यानी पाना, ओन यानी होता है खुद का कॉइन ऑल्सो यानी भी, इसके अलावा मैं अपना जो सिक्का है वो भी पाना चाहता हूँ, ये तो आपने दे दिया, फिर भी मैं जाऊँगा और वो सिक्का को लूँगा, तो मेरे पास दो सिक्के हो जाएंगे। द किंग कुड नॉट बेयर द थॉट, ठीक है, अब राजा इस सोच को सहन नहीं कर पा रहा था, ठीक है, बेर यानी होता है सहन कर पाना, राजा सहन नहीं कर पा रहे थे, दैट द वाटर कैरियर वुड रीस्टार्ट हिज पेनफुल जर्नी, अब वो सह नहीं पा रहे थे कि ये जो वाटर कैरियर है वो अपने रीस्टार्ट ने फिर से दर्द भरे अपना जर्नी यानी यात्रा फिर से शुरू करे, फिर तो वैसे ही जाएगा ना गर्मी में दौड़ भाग के, वो नहीं चाह रहे थे। फॉर अ वर्थलेस कॉइन, और उस वर्थलेस यानी उसके लिए कोई, राजा के लिए तो वर्थलेस ही था, यानी इसकी कोई मतलब का नहीं, वर्थलेस यानी बेकार के सिक्के के लिए जिसका कोई मूल्य ना हो, बेकार, वर्थलेस कहते हैं। सो ही ऑफर्ड हिम टू कॉइन्स, तो उन्होंने ऑफर्ड किया, पेशकश की दो सिक्के की। बहुत मज़ेदार स्टोरी, लंबी लेकिन बहुत मज़ा आएगा आपको, देखिए जो लास्ट तक बने रहेंगे ना उससे तो मज़ा आ जाएगा, जो जाना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है। तो उन्होंने कहा दो सिक्के ले लो भाई, ऑन द कंडीशन, और इस शर्त पर कि ही वुड रिटर्न होम, कि तुम घर चले जाओ, इस शर्त पर दो सिक्के ले लो लेकिन वहाँ मत जाना। द वाटर कैरियर अग्री टू एक्सेप्ट टू कॉइन्स, अब उसने एक्सेप्ट कर लिया, अग्री यानी मान गए, सिक्का ले लिया, दो सिक्के फ्रॉम द किंग, राजा से ले लिया। बट इंसिस्टेड यानी के बजाय, ठीक है, इंसिस्टेड मतलब क्या होता है, बट वो जाने के बजाय, ऑन गेटिंग हिज टाउन, अपने शहर जाने के बजाय, ओन कॉइन टू, हिज ओन कॉइन टू, यानी वो क्या कर रहा था, वो इसके बजाय भी, है ना, वो क्या करना चाह रहा था, जोर दे रहा था, ठीक है, इंसिस्टेड मतलब होता है जोर देना, ठीक है, कि अपने जो सिक्के को भी पाने के लिए, कॉइन टू यानी होता है भी, दो सिक्के पाने के बावजूद भी वो जोर दे रहा था अपने वो सिक्के को पाने के लिए भी। द किंग वॉज सो काइंड, ठीक है, राजा बहुत दयालु थे, दैट कि ही फेल्ट मच पेन इन, कि वो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, मच पेन यानी बहुत ज़्यादा इन, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर भी आपको
नया शब्द यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसे पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग। विजुअलाइजिंग मतलब होता है मतलब देख पाना, यानी बोलते हैं ना कल्पना करना, विजुअल करना, कि वो देख पा रहे थे दर्द में कि ये कितना दर्द इसे होगा। द वाटर कैरियर रनिंग इन सच अ हॉट वेदर, कि वो क्या करेगा फिर से इतने गर्मी वाले मौसम में दौड़ेगा, वो सोच रहे थे। देयरफॉर इसलिए ही ऑफर्ड हिम 100 coins प्रोवाइड ही रिटर्न होम। तो उन्होंने क्या किया, अरे फिर वो दौड़ेगा और वो देख पा रहे थे कि अरे ऐसे ऐसे तकलीफ होगी, तो उन्होंने क्या किया 100 सिक्के 100 coin प्रोवाइडेड यानी प्रदान करना, ही रिटर्न होम कि वो घर लौट जाए, मैं तुम्हें 100 सिक्के दूंगा तांबे के, तुम घर लौट जाओ। एज यूजुअल जैसे कि द वाटर कैरियर अग्रीड, और एज यूजुअल यानी सबको लगा ही था कि वो क्या करेगा, वो मान गया टू एक्सेप्ट द ऑफर, उस ऑफर को मान गया पैसे को। बट स्टिल लेकिन अभी तक, स्टिल यानी अभी तक, अभी आपको बताया था इंसिस्टेड, ठीक है, इंसिस्टेड मतलब होता है कि वो अभी भी जोर दे रहा था ऑन गेटिंग हिज कॉइन, उस सिक्के को पाने का। देखिए बस इतना ही है, बस अब खत्म हो जाएगा, यानी 100 सिक्के मिलने के बाद भी अभी भी वो क्या कर रहा था, इंसिस्टेड अभी भी जोर दे रहा था कि मैं वो 1 सिक्के को और पाऊंगा तो 101 हो जाएगा। देखिए बताइए भाई अब और क्या बोल सकते हैं। द किंग वॉज डिटरमेंट, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको डिटरमेंट, डिटरमेंट क्या होता है, संकल्प किया था राजा ने, क्या कर लिया था, संकल्प कर लिया था टू सेंड द वाटर कैरियर होम, कि उस वाटर कैरियर को घर भेजेंगे विदाउट हिज ट्राइंग टू गेट हिज कॉइन, बिना ट्राइंग यानी वो जो कोशिश कर रहा था ना, विदाउट यानी के बिना, हिज ट्राइंग उसकी कोशिश टू गेट हिम्स कॉइन यानी उसके जो सिक्के को पाने के बिना ही, पाए बिना ही उसे घर भेजने की उन्होंने क्या कर लिया था, डिटरमाइंड कर लिया था, निर्धारित कर ली थी, संकल्प ले लिया था, इसे वो सिक्का लिए बिना ही इसके घर भेजूंगा, ऐसा संकल्प ले लिया कि इसको तो जो देना पड़ेगा दे दूंगा, वो सिक्का उसे लेने नहीं दूंगा, अब मैं तो ठान लिया हूँ। इट वॉज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, नाउ प्रेस्टीज, प्रेस्टीज कुकर जैसे बोलते हैं, प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है, मतलब उसके लिए इज्जत की बात थी, गौरव प्रतिष्ठा, उसे प्रेस्टीज कहते हैं। मैटर यानी मामला, अब ये क्या था, उसके प्रतिष्ठा का मामला बन गया था, इज्जत का मामला बन गया था, नहीं अब तो भेजूंगा ही। देयरफॉर अतः इसलिए ही केप्ट इंक्रीजिंग द अमाउंट, वह केप्ट यानी जारी रखना, इंक्रीजिंग यानी बढ़ाना, वो डिक्रीजिंग यानी गिरना, इंक्रीजिंग यानी ऊपर बढ़ाना, वो ऊपर बढ़ाते बढ़ाना जारी रखे थे यानी बढ़ाते गए अमाउंट यानी राशि को, ऑफ ऑफर्ड मनी यानी जो पैसे ऑफर्ड कर रहे थे ना उसकी राशि बढ़ाते गए, 100 को 200 किए, 300 किए, 2000 यानी 1000 सिक्के, 10,000 10,000 सिक्के, बस इतना ही बचा है, रुक जाइए बस, एंड इवन 1,00,000 coins 1,00,000 सिक्के तक के बोल दिया। भैया देखिए राजा है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी देखिए 1 सिक्के के बदले उन्होंने बोला 1,00,000 सिक्का दूंगा, लेकिन तुम क्या करो। बट द वाटर कैरियर वॉज सच अ क्रेजी गाय, लेकिन वो क्रेजी गाय यानी वो थोड़ा सा क्रेजी बोलते हैं ना, थोड़ा सा मदमस्त पागल जैसे होता, क्रेजी तो एकदम क्या था, मनमौला आदमी था। ही डिड नॉट लीव हिज ऑब्स्टिनेसी एट एनी कॉस्ट, ठीक है, अब यहाँ पे आपको नया दिख रहा होगा ऑब्स्टिनेसी, ठीक है, ऑब्स्टिनेसी मतलब होता है जिद, हट, लेकिन वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा था, एनी कॉस्ट यानी किसी भी कीमत पर, अपनी जिद नहीं छोड़ रहा था, नहीं छोड़ पा रहा था, नहीं मैं तो वो सिक्का लेकर ही रहूंगा, 1,00,000 दो चाहे 2,00,000 दो लूंगा पैसा भी, लेकिन वो 1 सिक्का लूंगा तो बढ़ जाएगा। अब देखो इस 1 सिक्के के पीछे उसकी जान अटक गई है। बट इवन द किंग वॉज नाउ हेलबेंट ऑन ब्रेकिंग हिज ऑब्स्टिनेसी, ठीक है, हेलबेंट, अभी हेलबेंट आपको नया मिला, इसका मतलब क्या होता है, हेलबेंट का मतलब होता है बोलते ना कि तुले हुए थे, भूत चढ़ गया था, उसे हेलबेंट बोलते हैं। लेकिन यहां तक इवन यानी यहां तक कि राजा भी क्या हो गया था, राजा पर भी अब भूत चढ़ गया था, ऑन ब्रेकिंग यानी तोड़ने का, हिज ऑब्स्टिनेसी मतलब उसकी जो हट था ना, जिद को तोड़ने का, अब तो मैं तोड़ के रहूंगा इसके जिद को। ही ऑफर्ड हिज हाफ किंगडम, अब आया यहाँ पे बात बहुत ही जोरदार, इसे जरूर ध्यान देंगे जो रुके हुए ना, बहुत बहुत आपको मजा आने वाला, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पेशकश की हिज हाफ किंगडम, इसे हाफ पढ़ते, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ किंगडम राज्य, आधी राज्य, अपने आधा राज्य ले लो भैया तुम मेरे वाटर कैरियर को, ऑन द कंडीशन, शर्त पर, एक शर्त पर कि तुम आधा राज्य ले लो। ही वुड नॉट गो टू गेट हिज ओन कॉइन, कि तुम क्या ना कर सको, अपने सिक्के को लाने के लिए ना जा सको, मत जाओ, तब तो मैं तुमको दे दूंगा। नाउ द वाटर कैरियर अग्रीड, अब वाटर कैरियर क्या हो गया था, मान गया था
टू हिज प्रपोजल, प्रपोजल ना प्रस्ताव, ठीक है, उसकी पेशकश, उसे प्रपोजल कहते हैं, उनके प्रस्ताव को मान गए। द किंग टुक अ साइन ऑफ रिलीफ, इसे साइन पढ़ेंगे, रिलीफ क्या होता है, राहत की सांस लेना बोलते हैं ना, साइन ऑफ रिलीफ, तो उनके चेहरे पे अब क्या दिखा, एक राहत की सांस ली, राहत दिखी उसके चेहरे पर। लेटर बाद में अ सेरेमनी यानी एक समारोह, वॉज अरेंज यानी व्यवस्था की गई थी समारोह की, टू कोरोनेट, कोरोनेट का मतलब क्या होता है, राज्याभिषेक बोलते हैं, राज्य देते हैं किसी को तो राज्याभिषेक करते हैं, तो उसका क्या क्या आयोजन किया गया था। द वाटर कैरियर एज द किंग, तो जो वाटर कैरियर को राजा, एज द किंग यानी राजा बनाने के लिए, ऑफ द हाफ पार्ट ऑफ द स्टेट यानी उसके जो राज्य था राजा का, उसका आधा हिस्सा, हाफ पार्ट यानी आधा हिस्सा का राजा, वो जो पानी जो भरने वाला था ना, उसे बनाने के लिए क्या किया गया था, राज्याभिषेक के लिए वहाँ पे समारोह का आयोजन किया गया था कि इसे अब आप आधा भाग का राजा बनाएंगे। बिफोर क्राउनिंग हिम, है ना, यहाँ पे देखिए आप दिख रहा हो आपको, बोलते ना क्राउन पहना, तो क्राउनिंग हिम, क्राउन पहनाने यानी जैसे होता है, जैसे देखिए क्राउन पहनाने यानी जो मुकुट को पहनाते हैं उसे क्राउनिंग बोलते हैं, ठीक है, तो उसे मुकुट पहनाने से पहले द किंग आस, राजा ने पूछा, ठीक है, यस हाँ, टेल, कहो, विच हाफ पार्ट ऑफ द स्टेट यू वुड लाइक टू हैव, कि कौन से आधे जो पार्ट है, आधा जो हिस्सा है राज्य का, वो तुम्हें चाहिए, ठीक है, लाइक टू हैव यानी तुम्हें जो हिस्सा चाहिए बताओ। अब राजा उनसे बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो मर्जी, राज्य का ये वाला हिस्सा लो चाहे वो वाला, आधा हिस्सा कौन सा लोगे, उस तरफ का, इस तरफ का, कौन से तरफ का आधा हिस्सा लेना चाहते हो, राजा ने पूछा। अब देखिए एंडिंग, इतना सा एंडिंग है बस, अब आपको मजा आने वाला है, बस खत्म होने वाला है। द वाटर कैरियर रिप्लाइड हम्बली, ठीक है, अब जो पानी उठाने वाले ने हम्बली यानी बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत ही प्रेम से उन्होंने क्या किया, जवाब दिया, सर महोदय, आई वुड लाइक टू हैव, मुझे चाहिए, मैं पसंद करता हूँ, द नॉर्थन पार्ट ऑफ द स्टेट, नॉर्थन यानी उत्तरी भाग, ठीक है, आप सभी को समझ आ रहा होगा, उत्तरी भाग इस राज्य का, वेयर, जहाँ, द ओल्ड फोर्ट वॉल एग्जिस्ट, ठीक है, जहाँ पे पुराना किला है, पुराना किला का जो दीवार है एग्जिस्ट यानी वहाँ पे मौजूद है, एग्जिस्ट यानी होता है मौजूद होना, अस्तित्व है, ठीक है, तो मुझे वो उत्तरी भाग चाहिए जहाँ पे पुराना किला का जो दीवार है वही मुझे चाहिए। देखिए आप समझ गए ना, द किंग कुड नॉट से एनीथिंग, राजा अब कुछ नहीं कह सका, एंड एक्सेप्टेड हिज डिफीट, और उसने स्वीकार कर लिया, डिफीट यानी होता है हार, उसने अपनी हार स्वीकार कर ली, इन दिस वे, और इस तरह, इन दिस वे यानी इस तरह, द वॉटर कैरियर हैड, पानी उठाने वाले ने हैड, फाइनली गॉट, अंत में पाया, ठीक है, हैड यानी पाना, फाइनली गॉट, उसे मिला, हिस वन कॉपर कॉइन, उसका वो एक तांबे का सिक्का, हिडन इन द वॉल, जो कि उसे हिडन यानी छिपा के रखा था दीवार पे, अलोंग, अलोंग यानी साथ में, विद द हाफ पार्ट ऑफ द स्टेट, किसके साथ में वो सिक्का मिला, हाफ पार्ट ऑफ द स्टेट यानी राज्य के आधे हिस्से के साथ ही साथ, अलोंग यानी साथ में, उसे वो एक जो तांबे का सिक्का था वो भी मिल गया, क्योंकि राजा ने ही कहा था कौन सा भाग लोगे, तो देखिए पूरा आधा राज्य दे दिया, लेकिन इसका मन वहीं अटका था, और आधे राज्य में भी उसने कौन सा हिस्सा मांगा, जहाँ पे वो पुराना किला था, जहाँ पे दीवार में उसने वो तांबे का सिक्का गड़ाया था, और अंतिम में उसे वो आधा राज्य तो मिला ही मिला, और जाके उसने उस सिक्के को भी ले लिया, क्योंकि वो उसके हिस्से में आ गया, उस राजा पे उसका कोई वो तो था नहीं कि उस हिस्से पे जाके नहीं ले सकते हो, ये तो इसी का हिस्सा है, जो मर्जी करे, वो जाके उस सिक्के को भी लिया, और आधा राज्य तो वैसे भी उसे मिल चुका था, क्योंकि राजा ने क्या कर दिया था, उसे अपना वचन दिया हुआ था, तो उसे तो दोनों मिल गया। तो देखिए फनी स्टोरी भी है, बहुत मज़ेदार स्टोरी भी है, और आपको बहुत पसंद आएगा, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया, नहीं पसंद आया तो प्लीज़ कोई आप मतलब गुस्सा नहीं कीजिए, क्योंकि यदि पसंद नहीं भी आया होगा तो इतने सारे वर्ड आपको मिले हैं, और आप सभी को पता है 40 मिनट तक लगातार पढ़ा रहा हूँ, मुझे हिंदी वर्ड याद करने होते हैं, मतलब जैसे ही मैं इसका हिंदी वर्ड सोचना पड़ता है, सोच के तो दिमाग घूम जाता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो ध्यान नहीं आता तुरंत, बार बार दिमाग पर जोर डालना पड़ता है, तो 40-45 मिनट तक लगातार आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। और स्टोरी अच्छी थी, देखिए कितना राजा सब दिए, 1000 है ना, 10,000, पूरा लाख सिक्का, उसके बाद भी नहीं माना, सोने के सिक्के में नहीं माना, है ना, राज्य दे दिया आधा राज्य तो भी नहीं माना, और अंत में क्या हुआ, उस आखिर सिक्का को लेकर ही रहा, आधा राज्य भी मिल गया। तो ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेहनत के लिए प्लीज लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, स्क्रीनशॉट आसपास कहीं भी मिल जाएगा आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।